दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सबका कला दीर्घा मुंबई में। दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है यक्षिणी, आपका स्वागत है। आज आपको ले चलते हैं जहांगीर आर्ट गैलरी मुंबई। आज के कलाकार हैं शांताराम सोनावणे। इनके चित्रों के मुख्य विषय हैं प्रकृति और मानव के संबंध, जिसे इन्होंने विभिन्न रूपों में चित्रित किया है। धन्यवाद आप सभी का। दोस्तों आपसे एक नम्र निवेदन है, कृपया चैनल को सब्सक्राइब लाइक जरूर करें और हमारा उत्साह बढ़ाएं। आइए मिलते हैं कलाकार से। नमस्कार, मेरा नाम है एस शांताराम, शांताराम सोनावणे। मैं 84 से यहाँ एग्जीबिशन कर रहा हूँ जहांगीर आर्ट गैलरी, नेहरू सेंटर, राजस्थान और नागपुर जैसे शहरों में मैंने काफ़ी एग्जीबिशन की हुई। और मेरी हर वक्त निसर्ग और मनुष्य, इन दोनों का मेल किस प्रकार होगा, यही मेरे विचार होते हैं। ये भी एक अमूर्त आकार, मूर्त आकार और अमूर्त आकार, इस प्रकार के भेद होते हैं। तो मैंने यहाँ कलर्स की और जो स्पेस है वो स्पेस का विभाजन करके मैंने इसको साकार किया है। यहाँ सूखी हुई पत्ती भी लग गया है, उसे आए इसने अपना एक ओढ़ लिया है वस्त्र, जिसे वो खुशहाल है। और यहाँ सब बाकी ये भाग है, वहाँ से बादल भी है और ये व्यक्त बताने का मैंने काम किया है, क्योंकि व्यक्त के सिवा पेटिंग साकार नहीं होता है। यहाँ हर पथ पर मनुष्य का चेहरा लेकर एक दूसरे का समन्वय करता रहा है, विचार करता रहा है। और उसमें से दो जो पत्थर है मनुष्य बनकर रहे, वो आसमान के रूप होते, होश और भोग के लिए वो देख रहे। यहाँ जो है ये पाताल, ये अपना और ये स्वर्ग, इस प्रकार के मनुष्य के चेहरे के भाव निर्माण किए। और चंद्रमा इसलिए बताया है, ये अवकाश का भाग मैंने यहाँ स्पष्ट किया है। यहाँ भी चार मैंने चेहरे बताए हर कलर के, और उन व्यक्तियों को ये आश्चर्यचकित होकर देख रहे हैं। यहाँ जो है किसान है बेचारा, उदास हुआ है चेहरा उसका, और ये हरियाली किसान का सिंबल बताया मैंने। वो ऊपर वर्षा की राह देख रहा है, लेकिन बादल कहीं नहीं है, फिर भी वो काम सार्थक के रूप में कर रहा है। बादल आवे न आवे, लेकिन मुझे तो कार्य करना ही है, बिना कार्य करूँगा तो फिर बुरा हो जाएगा। ये पत्ती सूखी सूखी है, अनेक यहाँ पत्तियाँ है, उसमें विचार वो पत्ती जो है, पत्ता बड़ा है, वो मनुष्य का रूप उन्होंने साकार करके वो एक खिड़की की ओर देख रहा है कि भाई मुझे वो कुछ ना कुछ ये दिन जरूर मेरे बदलेंगे। इस ख्वाहिश में वो देख रहा है, उसका छाता भी टूटा हुआ है, उसकी गरीबी भी यहाँ मैंने व्यक्त की है। यहाँ हर एक को चांद चाहिए, इन्हें भी चांद चाहिए, लेकिन इनका चांद रोटी है, इसलिए उनकी भावुकता और दुर्बलता मैंने हर चेहरे में व्यक्त की है। ये ऑरेंज कलर होते हुए भी हमें सॉफ्ट लगता है, क्योंकि ऑरेंज कलर आक्रामक कलर है तुरंत, पर इधर मैंने सॉफ्ट बताया है, क्योंकि उन्हें उनका लक्ष्य है चांद पर। धन्यवाद आप सभी का इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। अपने विचार कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, कृपया चैनल को सब्सक्राइब लाइक जरूर करें।